स्वागत है दोस्तों आपको मेरे नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में काइंड मास्टर ऐप की हेल्प से एक फायर स्पार्क नेम रिवीलिंग इंट्रो कैसे बना सकते हैं, और वो भी दोस्तों काफ़ी इजी मेथड से होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले दोस्तों हमें अपने एंड्रॉयड फ़ोन में पिक्सल ऐप को ओपन करना होगा, और ओपन करने के बाद दोस्तों हमें इस थ्री डॉट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ इमेज साइज पे क्लिक करना होगा, और फिर कस्टम पे क्लिक करके, और यहाँ पे जैसे ऑप्शन है हमारा यूट्यूब थंबनेल, हमें यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट कर देना होगा। और ये हमारा यूट्यूब थंबनेल के साइज में आ चुका है। और उसके बाद हमें ये टू पेपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और कलर्स को सिलेक्ट करके हमें कलर्स को ब्लैक रखना होगा पहले। तो स्टार्टिंग में हमें कलर ब्लैक रखना होगा। तो अभी हमारा ब्लैक हो चुका है, और फिर हमें ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे पेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके न्यू टेक्स्ट को एडिट करना है। और ये जो भी कुछ दोस्तों लिखा होगा उसे रीनेम करके आप जो आपके चैनल का नाम है आपको वो लिखना होगा। जैसे अभी मैं अपने चैनल का नाम लिखूँगा, आप अपने चैनल का नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया है, आपको अपने चैनल का नाम लिखना होगा दोस्तों। और फिर हमें यहाँ पे टेक्सचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ से हमें टेक्सचर सिलेक्ट करना होगा। तो ये हमारा अभी ओपन हो रहा है। तो जैसे ये है मेरा टेक्सचर, इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मेरे टेक्स्ट का टेक्सचर हो चुका है, और यहाँ से हमें फॉन्ट सिलेक्ट कर देना होगा। ये रखूँगा मैं अपना फॉन्ट, ये मेरा फॉन्ट हो चुका है। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक ही लाइन में आना चाहिए। अगर ये आप स्क्रीन में नहीं बैठ रहा है तो आप इसे थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं इसको यहाँ पे रहने दूंगा, और हमें अभी कोई 3D टेक्स्ट इनेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम फिर से मैं इसे डबल पेपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। तो ये मेरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, और अभी मुझे इसे सेव करना है। तो मैं SD कार्ड वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, और सेव एज इमेज करके, और इसका जो डिमिनेशन है वो हमें कस्टम पे नहीं रखना है, वेरी हाई कर देना है, और इसे सेव टू गैलरी करके ये हमारा सेव हो चुका है। तो उसके बाद दोस्तों हमें अभी काइंड मास्टर ऐप को ओपन करना है, और अभी हमें फिर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें 16:9 का रेशियो सिलेक्ट करना है। तो ये मेरा सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमें अपना इंट्रो सिलेक्ट करना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसे हमें डबल फिंगर की मदद से इसको थोड़ा बड़ा लेना है। तो डबल फिंगर की मदद से मैं इसे थोड़ा बड़ा लूँगा। तो ऐसा अभी ये है हमारा इंट्रो। तो हमें एग्जैक्टली 3.465 पे हमें रोक लेना है, और अब फिर हमें लेयर्स पे क्लिक करके मीडिया पे जाना है, और यहाँ पे जो आपने पिक्सल ऐप से अपना नेम बनाया होगा उसे आपको डालना है। तो ये मैंने अपना नेम बनाया था, तो इसको मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा या फिर बहुत छोटा रखूँगा। यहाँ से मैं अभी वीडियो को चालू करूँगा, और यहाँ पे एग्जैक्टली फिर ये की वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं एक प्लस का ये दूंगा की, और थोड़ा सा दूर जाते इसका साइज मैं बड़ा कर लूँगा, और इसको थोड़ा यहाँ लाऊँगा। तो ऐसा ये मेरा बन चुका है। तो ऐसा अभी हमारा इंट्रो लगेगा दोस्तों, आप देखिए। और फिर हमें इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा कम कर लेना है,
हमें दोनों का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम करना है, टेक्स्ट का भी और वीडियो का भी। तो मैंने दोनों का ड्यूरेशन थोड़ा कम कर दिया। उसके बाद आपको चेक कर लेना है कि अगर आपका वीडियो पे उसका कोई अफेक्ट तो नहीं पड़ा, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोज ऐसे होते हैं कि अगर आपने उसका ड्यूरेशन शॉर्ट किया तो की का अफेक्ट जल्दी आ जाता है। तो हमें एक बार चेक कर लेना होगा वो। नहीं, हमारा की का अफेक्ट अच्छे से आ रहा है। और हमें इसका आउट एनिमेशन फेड करके, फेड सिलेक्ट करके और 1.5 कर लेना। और ये हमारा फेड हो चुका है। और फिर हमें इसका इन एनिमेशन भी सिलेक्ट करके वो भी 1.5 कर लेना है। तो ऐसा हमारा इंट्रो बन चुका है दोस्तों। ऐसा ऑसम सा इंट्रो आपका भी बनेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।